नेपाली भाइयों को मेरा राम राम। मैं हूँ नमन पटेल। आज हम जा रहे हैं, कल जो खेत में गए थे उसी में दूसरी मोटर डालने। वो जो मोटर थी वो तो अच्छी चल गई, अब ये दूसरी मोटर और डाल रहे हैं उसमें, ताकि पानी जल्द से जल्द अपना ख़त्म हो जाए और हो सकता है अपने को डीजल नहीं भी जलाना पड़े, तो काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा अगर ऐसा हो जाएगा तो। मोटर कौन सी है, क्या है, वो सब मैं आपको पहुँच के बताता हूँ। ट्राली में रखी है, और ये पाइप भी क्यों ले जा रहा है वो सब मैं पहुँच के बताता हूँ, अभी क्या आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। मोटर हमने कस ली थी, पर हुआ ये कि पानी छोड़ रही है बार बार, तो अब काका जी गए हैं उसका फुटबॉल वाइसर और फुटबॉल दूसरी लेने, और अब हम जा रहे हैं खेत में कि एक मोटर तो चल रही है वो जो पहले डाली थी वाली, और हमने इंजन भी चालू कर दिया आज, तो पानी तो चल रहा है खेत में, और अभी उसका दवाई छीटना बाकी है अभी थोड़ी सी, तो दवाई और छीट देंगे उतनी पानी चलता रहेगा। और हमारी पीने का पानी भी ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे कुआ है ये बोर के पास, तो वो कुएं से पीने का पानी भी भर लेंगे, साथ ही साथ दवाई भी छिटा जाएगी। आपको बताता हूँ मैं पानी कितना क्या फेंक रही हमारी मोटर और इंजन दोनों। वैसे तो मेरी उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा पानी मिल रहा होगा, और आप लोगों को और बता देता हूँ। टप्पर भी बन गया हमारे पानी वाले का, और टंकी हमने इसलिए रख दी है कि जब लाइट रहेगी, जब टंकी भर लेगा, कभी जैसे शाम को या सुबह से दवाई छिटने आना पड़ा तो पानी अपने पास रहेगा। हम हमारे खेत में, और ये है हमारी मोटर की पाइपलाइन, एक वो है उसमें अभी लगाना है, ये अभी पहले वाली मोटर जो डाली थी वो पानी फेंक रही है। एक आपको अंदाजे के लिए बताऊं तो जो शहरों में ड्रेनेज लाइन रहती है वो 4 इंची की रहती है, तो उतना पानी आ रहा है, और ये यहाँ एक तालाब जैसा बांधना पड़ा कि पानी पूरा एकदम पाल फोड़ फोड़ के निकल रहा था, अभी पानी चल रहा है हमारा इधर और इधर, और ये पानी चल रहा है हमारा इंजन का। भी सही चल रहा है पानी इंजन को, और ये इंजन का पानी चल रहा है, और उधर मोटर का पानी चल रहा है। हम पहले इतने बड़े खेत में एक साधन से पहुँचते थे, उसी में मोटर उसी में इंजन, और अब हमारे पास 2 साधन तो तैयार हो चुके हैं, तीसरा भी बस होने में ही है, तो 3 साधन हो जाएंगे बेफिक्री अब पानी की। हमारे इंजन का पानी, कल रात को मैं थोड़ा सा थक गया था इसलिए एडिटिंग नहीं कर पाया, अगर आज समय मिलेगा तो एडिटिंग करके दोनों व्लॉग साथ में डाल दूँगा, या फिर नहीं तो फिर कल डालूँगा तीनों एक साथ अगर नेट पुर गया तो। काफ़ी पानी अच्छा फेंक रहा है इंजन भी अब हमारा, पानी पानी हो गया अब तो खेत में, एक पानी यहाँ दूसरा पानी वहाँ कोने पे यहाँ पे, और अभी हम दवाई छीट रहे हैं। दवाई कल आधे में छीटी थी, आधे में और छीट देते हैं आड़े पट्टे में, फिर जो खड़े पट्टे उसमें फिर छीट देंगे, और तो ताकि क्या है पानी चलता रहेगा, अब दूसरी मोटर चालू हो जाएगी तो वो यहाँ पे चालू होगी। अभी काका जी बस आने में ही है टिमरने से, फिर चालू करते हैं उसमें। समस्या हो गई भाई लोग, क्या हुआ, ये है वो मोटर जिसकी अभी तक मैं बात कर रहा था, अभी तक आपको दिखा नहीं पाया, उधर के जनरेटर चलते हैं तो आवाज़ नहीं आती। अब ये थोड़ी सी क्या अधूरी अधूरी से लग रही, क्यों, इसका सामने का जो मुँह है वो ये है, अरे बहुत भारी है, पहले के ज़माने में क्या मोटर काफ़ी हेवी आती थी। अब हुआ ये कि इसमें नट गिर गया था, अब सुबह जिस मैकेनिक के पास हमने इसको चेक करवाई थी उससे बोला भी था इसको एक बार खोल ले, 3-4 साल से रखी है कहीं कुछ है तो नहीं, तो बोले नहीं 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 सबसे ये बोले ले जाओ ले जाओ ले जाओ। लाए कसी, पहले तो पानी उतर गया, फिर जैसे तैसे पानी भरा फिर उतर गया, फिर फुटबॉल की समस्या देखी तो फुटबॉल सही करी, फिर मोटर चालू करी, थोड़ी देर चली, फिर कर 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 आवाज़ आने लगी, तो फिर हमने देख सामने से उसका मुंह खोला तो उसमें से एक इतना बड़ा पत्थर टाइप का निकला था, उसको अलग किया, फिर फंसाया, फिर पानी भरा, फिर चालू करी, फिर कर 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 करने लगी, तो हमको लगा पीछे पंखी के पास से आवाज़ आ रही, पीछे से खोला, पंखी घुमाई तो देखा कि यार पीछे तो कुछ नहीं है, फिर ऐसा लगा कि बेरिंग चले गए, पर बेरिंग जाते तो उसमें प्ले बन जाता शाफ्ट में, तो वो भी नहीं था। फिर क्या हुआ, फिर सामने का एम्पुलर खोला और देखा कि जो एम्पुलर है 2 भाग में हो गया, एक भाग तो ये है, दूसरा भाग ये है, ये सर, तो क्या है जब वो बार बार बज रहा था ये इस टाइप से रहता है, अब ये एम्पुलर क्या हमसे यहाँ खुल नहीं रहा था, क्योंकि क्या है ये पूरी शाफ्ट घूमती है तो वो मैकेनिक के पास ही खुलेगा, इसलिए मोटर को लेकर जा रहे हैं एम्पुलर खुलवा के, दूसरा एम्पुलर बिठा के कल फिर आना है। हम सोच रहे थे कि आज यहाँ से बेफिक्र हो जाएंगे, पर क्या करें, थकान तो इतनी ज़्यादा है कि पूछिए मत,
पर ये सनसेट देख के सब अच्छा लगने लगता है। ठीक है, अब अभी ये जो हमारा बैंड था उसमें ये मुंह लगा रहे हैं ताकि ये जो कास्ता पाइप है क्या ये सब नपता है तो टूट जाता है। और वो साइड में देखिए आप स्प्रिंकलर लगाए हमारे पड़ोसी का, तो वो थोड़ा अच्छा रहता है, एकदम से नहीं जाता, वो थोड़ा आराम से जाता है। तो ये जो हमारे पास क्या 4 इंची नहीं थे, 2.5 इंची के बहुत सारे पड़े, तो 4.5 के करके 2 कर देंगे तो क्या अलग अलग पानी चलेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो क्या इतना बड़ा फिर हर जगह थाला बनाना पड़ेगा। तो अब बस वही कसर है। काका हमारा पानी वाला भैया, कई नाम भैया मैं फिर भूल जाऊँ यार, है नंद किशोर, आज वो भी परेशान हो गया, हम भी परेशान हो गए, पर ठीक है, एक दो दिन की मगजमारी, फिर जब मोटर चालू हो जाएगी तो खुशहाली ही खुशहाली रहेगी। तब वो उधर का पॉइंट बंद करके ये वाला खोलना है, हमने बोला भैया से मोटर बंद कर देते पर बोल रहा मैं चालू मोटर में कर लूँगा, तो अपन देखते हैं। जरा को सुखन भी नहीं दी अपन ने होल्ड टाइट कर, कहीं भी नहीं बिगड़े। और अभी ये होल्ड टाइट लगाते लगाते पेंट में लग गया वो। उम्मीद लगे ले नीचे सब उठा लिया, सब निकल जाओ, नेट होगा, मुझे रखना तो कर लीजिए, अभी ढीला में कर लीजिए, मुझे ऐसा करना है। मैं तो कह रहा था पर तुम माने नहीं, हाँ तो पैसा कितना कह रहे हैं हम भी, अरे हाँ मैं बातें बदल ले जाएगा, टप्पल पे हाँ इधर घुमा थोड़ा सो क्या चलो थोड़ा सा इधर घुमा काका, इधर हमारा तरफ ये पाइप सीधा जाओ, अरे नाली नहीं फूट जा, हमारे अभी यहाँ पे भी इसको बंद करना है क्योंकि इधर का पानी हो गया है। यहाँ से इसको खोल के और यहाँ पे ढक्कन लगाना है ताकि वहाँ पानी ज़्यादा मिले। और क्या काका पहले 2 दिन में अपना कितना पानी होता था, पहले 2 दिन में 2 पट्टे होते थे, अब 2 दिन में 4 पट्टे होते, क्योंकि पहले एक मोटर मतलब एक लाइन 24 घंटा चलती थी, तो अभी 2 फिर भी 12-12 घंटा भी नहीं चल रही। कल तो कितने चली, 4-6 घंटा चली। भाई से रोमी चिपक जाओ ऊपर वाली में, ढक्कन में लगा के फंसा दे तो। सब काम निपटा के अब निकल गए घर के ओर, और वो जो मोटर है उसको मैकेनिक के पास पटकना है और फिर घर जाएंगे। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।